सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेंजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को इसको फुल स्क्रीन करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को इसको यहाँ पर जूम करके आपको इसके ये जो क्राउन ये फायर क्राउन है जिसके नीचे आपको कुछ इस टाइप से सेट कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जो मतलब कि आपको ब्राइटनेस इसमें एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना, आप सभी को अपने मॉडल के ऊपर हम क्लिक करेंगे एक बारी, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से एफएक्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ से जाना है कलर्स में जाना है। एंड यहाँ पे आप सभी को थर्ड में दिख जाएगा, यहाँ पे लास्ट में सेकंड लास्ट में यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो हम यहाँ ब्राइटनेस को कम कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से रेजर टूल में, एंड यहाँ से कर देंगे पहले इन्वर्ट। एंड उसके बाद हम ब्रश पे सिलेक्ट करके एंड हमें जहाँ जहाँ पे मतलब कि इसमें ब्राइटनेस कम कर रही है वहाँ पे हम पेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। आप सभी को कुछ ऐसे ही पेंट कर लेना है, क्योंकि यार जो हमें यहाँ पे ना डार्कनेस चाहिए, क्योंकि हमारे जो नीचे से ना जो मतलब कि डार्क हो रहा है, तो मतलब जो बैकग्राउंड है हमारे नीचे से हमारा डार्क कर रखा है उसने, तो वैसा आप सभी को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम ब्राइटनेस को कम करके एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा जो मॉडल है बैकग्राउंड से मैच हो गया है। तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से सिंपली कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, मैंने आप सभी को एक ये वाला पीएनजी दे रखा है, ठीक है। ये मतलब कि हॉरर फेस का ये पीएनजी दे रखा है मैंने आप सभी को। तो आप सभी को क्या करना है, कुछ इस टाइप से आप सभी को पहले अपने फेस के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे बात आती है आपको समझने की, ठीक है। तो पहले ऐसे हम पहले ओपेसिटी कम कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं आप सभी को देखो एकदम अच्छे से समझाता हूँ, फिर आप सभी को एकदम बढ़िया से आप भी कर लोगे, ठीक है। तो आप सभी को पहले यहाँ पे ना अच्छे से एकदम मतलब फेस पे आप सभी को पहले मैच कराना है, ठीक है। जो आपकी आई है ये वाली एंड दूसरी वाली, दोनों को आपको मैच कराना है, ठीक है। दोनों आँखों को एक जगह पर मैच करा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फिर इसकी ओपेसिटी को फुल करके देखना है कि आप मैच हुई कि नहीं हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी मैच हो चुकी है। तो उसके बाद जाएंगे मिरर टूल में, एंड उसकी हार्डनेस एंड ओपेसिटी आप सभी को वो कम रखना है, ठीक है। साइज को आप अपने हिसाब से रख लेना, लेकिन आपको ओपेसिटी और जो वो है उसको आपको कम रखना है, हार्डनेस और ओपेसिटी को कम रखना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को साइड साइड से इरेज कर लेना है, ठीक है। अच्छे से इरेज करना है, मतलब ये एकदम पूरा मतलब एक जगह पे बारह ब्रश नहीं पेंट करना है, ठीक है। हल्का हल्का करना है कि थोड़े थोड़े जगह पे, एंड वहाँ से वो इजिली इरेज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपसे मतलब कि ज़्यादा ही इरेज हो जाता है ना, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को सेम उसी टाइप से आप सभी को ब्रश पे क्लिक कर देना है इस साइज पे, एंड उसके बाद आप सभी को ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। उस जगह पे जहाँ पे अगर ज़्यादा इरेज हो जाए वहाँ पे आपको ऐसे पेंट कर देना है, वहाँ पे इजीली वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद मैं आपको ओपोसिटी फुल करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारे परफेक्टली लग एकदम मतलब कि मैच हो चुका है। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा हिल गया है, तो मैं इसके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस देखिए, हमारे फेस से जो बिल्कुल मैच हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप सभी को थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसमें जब अपने फेस को इससे मैच कराएंगे ना, इसके कलर को अपने फेस से जब मैच कराएंगे, तो अब आप देखना एकदम मतलब कि आप एकदम अलग ही फोटो लगेगी। फिर इसका क्या करना है, यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, तो अब यहाँ से कर लेते हैं हम डन, ठीक है। यहाँ से डन कर लेने के बाद हमें जाना है ऐसे टूल्स में, फिर जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में गाइस आप सभी को सबसे एंड में दिखेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप सभी को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड यहाँ से जाना है इरेजर टूल में, ठीक है। एंड यहाँ से कर देना है इन्वर्ट, एंड ब्रश पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को ना जो फेस पे ध्यान रहेगा इसकी, आपको ना इसके अभी जो हमने पीएनजी लगाना है उसके ऊपर पेंट ना हो आपसे, ठीक है। आपको उसके ऊपर पेंट नहीं करना है, बस ओनली फेस पे करना है, तभी आपके मतलब कि फेस से मैच होगा। अगर आप इसके पीएनजी के ऊपर भी कर दोगे ना, तो गाइस थोड़ा मतलब कि वो ऐसा लगेगा कि मतलब कि ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा आपके फेस से, है ना। तो आप सबको वहाँ पे पेंट नहीं करना है। अगर आपसे गलती से पेंट हो जाए तो वहाँ से आप सिंपली इरेजर से आप इरेज कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको हेयर वगैरह पे सब जगह पे कर लेना, क्योंकि जो हमारे पीछे जो फायर आ रही है एंड ऊपर जो क्राउन है उसके भी मतलब फायर आ रहा है ना, तो उससे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है कि हाँ हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो आपको हेयर वगैरह पे भी कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, हेयर पे यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ से इस पीएनजी से इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो गाइस शोल्डर वगैरह है यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेंट कर लेना है, जिससे कि ये होगा ना गाइस कि आपके मतलब शोल्डर वगैरह हर जगह पे आ रहा है, तो रियलिस्टिक सा लगेगा थोड़ा। तो आप सभी को इस टाइप से ऐसे पेंट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सभी को ऐसे पेंट कर देना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ से पहले थोड़ी सी ना इसकी साइज एंड ओपोसिटी को कम करके फिर यहाँ पे पेंट करता हूँ अब, ठीक है। तो आप सभी को भी कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है। एंड अगर काफ़ी ऑसम फोटो यहाँ पे एडिट हो जाएगी आपकी अभी, ठीक है। तो अभी हमारी पूरा काम हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको मैनेज करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है हमारा, तो अब यहाँ से हम चलेंगे टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाएंगे, एंड उसके बाद पहले हम इसकी जो ब्राइटनेस इसको कम करते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे ब्रश में जाके, एंड सिंपली नीचे से हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। इतना डार्क कर देंगे क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है ना पूरा डार्क था ये, तो इसको हमें पूरा डार्क करना है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड बाकी अगर हमें कम पड़ेगा तो हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी हम थोड़ा देखते हैं,
यहाँ से आप सभी को जाना है एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये पार्टिकल का पीएनजी लेना है एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है पहले आप सभी को क्या करना है इसका कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को पहले इसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको सबसे नीचे ले जाना है एंड जो आप सभी को ऊपर वाला जो एक पॉइंट दिख रहा है ये आपको इसको सिंपली इसको प्रेस करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, ऐसे प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है एंड उसके बाद जो है कुछ एरिया आपके फेस के वगैरह के ऊपर भी आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे जाना है इरेजर टूल में। पहले मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते इरेजर टूल में एंड ऐसे आपको ओनली फेस फेस से इरेज करना है। ठीक है, बॉडी के ऊपर आए उससे कोई दिक्कत नहीं, बस फेस का इरेज करना है। ठीक है, फेस का इरेज कर देना है एंड ऐसे कर देना है डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को करना है आप सभी को लगाना है कि स्मोक का पीएनजी। ठीक है, तो मैंने स्मोक का पीएनजी दे दिया आपको, जो मतलब स्मोक का जो पीएनजी आपके जो पीएनजी लगाया ना हमने फेस पे, तो ये यहाँ से स्मोक निकल रहा था। मैं ये दिखाने के लिए मैं ये पीएनजी दे रहा हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, तो इस पीएनजी को लगाना आप सभी को, तो आप सभी को कुछ इस टाइप से लगा लेना अपने जो जहाँ से जिस साइड को आप ये पीएनजी लगाओगे राइट एंड लेफ्ट जिस साइड भी आपको वहाँ पे ये स्मोक का पीएनजी जरूर लगाना है। ठीक है, तो ऐसे मैं जो मतलब फेस के ऊपर जो आ रहा है इतना एरिया में पहले इरेज कर लेता हूँ इसको एंड ऐसे करते डाउन एंड गाइस इसकी जो ओपेसिटी आप सभी को कम रखनी है। ठीक है, ओपेसिटी कम रखनी है, अराउंड 50 तक कुछ रख देना एंड उसके बाद कर देना डन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है ना अभी मेरे को फोटो को थोड़ी और डार्क कर लेनी, तो इसके लिए हम चलेंगे टूल्स में एंड यहाँ से जाएंगे हम यहाँ से एडजस्टमेंट ब्राइटनेस को कम करके इन्वर्ट करके एंड यहाँ से हम यहाँ से ब्रश पे क्लिक करके एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे पेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डार्क करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है तो आप भी थोड़ा मतलब कर लेना यहाँ पे डार्क एंड उसके बाद कर देना डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद गाइस अब हमारी बात आती है डोजन बन गई, तो टूल्स में जाएंगे एडजस्ट में, फिर उसके बाद जाएंगे ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को छोटा करके। ठीक है, तो साइज को जो है थोड़ा बड़ा ही रखना ताकि यार साइज बड़ा रहता है ना तो डोजन बन अच्छा होता है। ठीक है, तो साइज को थोड़ा बड़ा रखना एंड उसके बाद आप सभी को जिस टाइप से ऐसे पेंट कर देना है। ठीक है, ऐसे पेंट कर देने के बाद आप सभी को जो है इसकी जो ओपेसिटी आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन एंड उसके बाद जाना आप सभी को अगेन टूल्स में। ठीक है, इस तरह से हम अगेन चलते हैं टूल्स में एंड उसके बाद आप सभी को एडजस्ट में जाना है एंड इसकी जो ब्राइटनेस वापस से बढ़ा देना है। अब हम करें डोजन बन अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जो टी शर्ट वगैरह पहन रखी है हमने इसके ऊपर करेंगे, तो ऐसा हम ब्रश को सिलेक्ट करके एंड कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी हम पेंट कर लेते हैं एंड एक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कर देने के बाद डन करते हैं एंड जो इसकी अमाउंट है इसको हम रखेंगे 16 तक एंड ऐसे कर देंगे डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अगर बात आता है मेरे कलर करेक्शन की, तो यहाँ से हम कर लेते हैं फोटो को सेव एंड यहाँ से चलते हैं हम सिंपली बैक एंड यहाँ से ओपन कर लेते हैं लाइट रूम ऐप। तो गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आपके लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड यार मेरे को वीडियो लाने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप सभी को उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को बढ़ा देना है, हाईलाइट को आप सभी को बढ़ा देना है एंड उसके बाद जो है शेडो को भी बढ़ा देना है एंड जो ये व्हाइट है इसको भी बढ़ा देना है एंड ब्लैक को कम कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद जाना आप सभी नीचे वाले टूल में एंड कलर्स में एंड उसका वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को हल्का सा माइनस करना है 4 तक कुछ एंड उसका जाना मिक्स में एंड ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है, येलो कलर में जाना इसके ह्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, ह्यू को तो आप सभी को माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन को प्लस में एंड इसका ब्लू कलर में जाना इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देना है हमेशा की तरह एंड उसके बाद जो फोटो में विग्नेट है वो जरूर डालना है। ठीक है, डार्क फोटो है हमारे तो उसमें विग्नेट जरूर डालना है एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में उसका शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड जो नोटिफिकेशन है इसको बढ़ा देना है एंड जो कलर नोटिफिकेशन है इसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आप सबको जाना कलर्स में एंड जाना यहाँ पे 3 डॉट्स में एंड उसके बाद जो आप सबको इस टोन को ले जाना ऑरेंज में। ठीक है, तीनों टोन को ले जाना ऑरेंज में। ठीक है, तो तीनों टोन को ऑरेंज में ले जाओगे तो काफ़ी मतलब कि ओमसम लगेगी फोटो यहाँ पे। तो अब हमारी जो है गाइस यहाँ पे परफेक्टली जो है यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सिलेक्टिव टूल में एंड यहाँ पे सर्कल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम इसको जिस टाइप से करेंगे एंड आप प्रेस करके इन्वर्ट कर देंगे एंड जो इसमें फोटो क्लियरिटी हम इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो पूरी कंप्लीट एडिट हो चुकी है। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।